दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे और बारिश का मज़ा ले रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज मैं अपने किचन की थोड़ी सी सफाई कर लूँ, और ये मसाले के डिब्बों सबको धोना था तो मैं सोची एक साथ दो काम कर लेती हूँ। तो मैं आज किचन की सफाई के साथ साथ में, इधर भी मैंने सारे बोतल रखे हुए हैं, इसमें गर्म पानी करके सर्फ में डाली हुई, इससे बोतल साफ़ करूँगी और सारे डब्बे को साफ़ करूँगी। और इसके साथ साथ में ही मैं अपने बालों में मेहंदी डाली हुई हूँ। आज थोड़ा सा मौसम खुला है तो मैं सोची बालों में मेहंदी भी डाल लूँ। और उसके साथ मैं आप लोगों के साथ एक फेस सीरम भी शेयर करने जा रही हूँ। तो एक साथ साथ दोनों काम हो जाएंगे, किचन की सफाई भी हो जाएगी और मेरे अपना ब्यूटी टिप्स भी किचन से निकाल लूँगी, और दोनों काम एक साथ कर लूँगी। क्योंकि अलग से काम लेकर के बैठी है तो फिर बहुत लेट हो जाता है। तो चलिए आज मैं एक बहुत ही अच्छा हेयर सीरम बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने 1 कप पानी डाला है। इसमें जो चावल हम लोग खाते हैं वही चावल में 2 चम्मच इसमें चावल डालूंगी, और इसमें ये अलसी है, ये अलसी 2 चम्मच इसमें डाल के और इसे गैस को एकदम स्लो पे करके और छोड़ दूंगी, ये अच्छे से बॉयल हो जाए। ये बहुत ही अच्छा हेयर सीरम है। और सबसे बड़ी बात है उनके लिए कि जिनकी बाल बहुत ड्राई है और वो बारिश में और अभी चिपचिप बाल हो जाता है, एक दिन हेयर वॉश कीजिए दूसरे दिन बाल फिर चिपचिपाहट हो जाती है बालों में। तो इस तरह से अगर आप हेयर वॉश करके और ये सीरम लगाइएगा तो आपके बाल एकदम खुले खुले और बहुत ही शाइनिंग होते हैं। इसमें अभी एक चीज़ और मैं डालूंगी तो मैं बाद में बताऊंगी कि एक और चीज़ क्या डालती हूँ। तो अभी गैस के फ्लेम को मैं एकदम स्लो पे कर देती हूँ, और इधर मैं अपने सफाई का भी काम अभियान जारी रखूंगी ताकि एक साथ मेरे दोनों काम हो जाए। और दिखाती हूँ इधर मैं बाल में अपने मेहंदी भी डाली हूँ, तो एक साथ मेरा दोनों काम हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते रहा है, और 10 मिनट तक ये अभी उबलेगा अच्छे से। जब चावल पक जाएंगे तभी मैं इसे बंद करूँगी, और पानी अगर कम लगे तो थोड़े से पानी और इसमें हम डाल देंगे। तो चलिए जब तक मैं इसे सबकी सफाई कर लेती हूँ, अभी बहुत सारे काम हैं, ये भी जाले झाड़ने हैं और किचन के ये टाइल्स को भी पोछना है, क्योंकि बारिश में पूरा किचन का फ्लोर भी बहुत गंदा हो जाता है तो प्लेटफॉर्म भी बहुत गंदा हो जाता है। तो चलिए अब मैं जल्दी से इसको कर लूँ, और तब तक ये उबल रहा है फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये लोहे की जाली से ही मैं ये सारे किचन के टाइल्स को रगड़ दूंगी, जो जो भी तेल मसाले के छींटे रहते हैं ना वो बहुत अच्छे से ये जाली से निकल जाता है, और फिर मैं इसे कपड़े गीला करके और पोंछ दूंगी। और यहाँ पे ये ईशान कोण मेरा पड़ता है तो इसलिए ये दिए जो है वो मैं ईशान कोण में, यहाँ रोज शाम में जब घर में दिया बत्ती करती हूँ तो ये ईशान कोण में मैं किचन में ये दिए भी जलाती हूँ। तो इस तरह से मैं पूरे किचन के सारे टाइल्स को बहुत अच्छे से ना ये जाली से आप साफ कीजिए तो बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं किचन के टाइल्स। और इधर मेरा हेयर सीरम भी बन रहा है तो एक साथ में दो दो काम फटाफट हो जाता है, समय की भी बचत होती है और ये नहीं कि एक्स्ट्रा टाइम निकल के हम अपने अपना केयर करें। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे किचन में ही इतने सारे हर्ब्स हैं कि हम उनका अपने ब्यूटी में बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं और अपने पैसों की बचत भी कर सकते हैं। तो चलिए इस तरह से मैं पूरे स्लेब को पोंछ के और फिर नीचे भी मैं इसी से रगड़ देती हूँ तो ये बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं। और ये छोटे छोटे मटके हैं तो ये मैं दीपावली में भरती हूँ, तो इसे फिर साफ करके और फिर इसमें भर के और किचन में ही लगा देती हूँ। तो इसे भी मैं धो धो करके सबको रखूंगी। और इधर मैंने सारे धो दिए हैं, सर्फ लगा करके धो दी हूँ ऊपर नल से, धो धो करके और जमाते जाऊंगी। चलिए इसी तरह से पहले इसको निपटा लूँ काम। और ज़रूरी नहीं कि हम सामान निकाल करके ही साफ करें, अगर हफ्ते में 2 दिन भी या 1 दिन भी हम इस तरह से ऊपर से भी डब्बों को साफ करके, और महीने में एक बार डब्बे हम जब राशन भरते हैं तब साफ करें तो हमारा किचन एकदम नीट एंड क्लीन रहेगा। तो मैं जरूरी नहीं कि सारा सामान निकाल के साफ करती हूँ, मैं ऊपर से ही
धो देती हूँ, सब साफ हो जाते हैं बहुत अच्छे से। चलिए अब मैं नीचे इसकी सफाई भी कर लेती हूँ। जब सूख जाएंगे तब मैं इसे जगह पे लगाऊंगी। तो अभी सब धो धो करके मैं इस साइड में यहाँ रख देती हूँ। और इधर मेरा सीरम भी तैयार है। इस तरह से चावल पूरे अच्छे से पक गए हैं, चावल पक गए हैं। अब मैं इसमें ही पैसे बंद करके और ठंडा होने देती हूँ। चलिए फिर मिलते हैं। इसका ये पूरा पल्प मैंने ये छाननी से छान करके ये निकाल लिया, इतना पल्प। और ये एलोवेरा मैं अभी अपने गमले से तोड़ के लाई हूँ। अब इसके इसके पल्प को मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। और ये खास इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे बालों को, बारिश में बाल जो टूटते हैं वो भी नहीं टूटेंगे और बहुत ही सॉफ्ट और सिल्की बाल हमारे हो जाएंगे। तो चलिए अब मैं इसको इसमें मिक्स करके और मैं चलती हूँ बाथरूम की तरफ, अपने हेयर को वॉश करके आती हूँ। गीले कर लेंगे और गीले करने के बाद ही हम इसको लगा करके और 10 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए अब छोटे छोटे सेक्शन में ले करके और बालों में इस तरह से हम पूरे इसमें बालों में लगा देंगे, जड़ से लेकर के बाल के सिरे तक। दोनों हाथ से अच्छे से इसमें मसाज हल्का सा करते हुए और बालों में पूरे अच्छे चारों तरफ से इसे लगा करके और बाल को फिर हम समेट लेंगे। समेट करके और 10 मिनट तक, जब तक हम कपड़ा वपड़ा वॉश करेंगे तब तक बाथरूम में, तब तक ये हमारे बालों में अच्छे से, और फिर थोड़ा सा शैम्पू डाल के फिर हम बालों को वॉश कर लेंगे। तो उसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ। अभी मैं पहले बालों में इसे लगा करके और छोड़ देती हूँ। चमक बालों में, सॉफ्टनेस यहाँ तक। पहले बाल उलझती थी इतने, और बारिश में जब बाल झाड़ो तो बहुत बाल धोने के बाद भी निकलते थे। अब बाल में देखिए कंघी कितनी स्मूथ से, कंघी इसमें आराम से कंघी चल जा रही है। और अभी तो गीला है बाल, थोड़े से सूखने पे बालों में शाइनिंग भी बहुत अच्छी आ जाती है। और देखिए ये बाल बहुत ही अच्छे ग्लो करते हैं देखने में, क्योंकि इसमें हम वो फ्लैक्स सीड डाले हैं जिसे हम अलसी भी कहते हैं। वो हमारे हेल्थ के लिए भी जितनी अच्छी है उतनी ही हमारे बालों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद रहती है। तो देखिए अब कितनी सॉफ्ट है, ये खुद ही आपको देखने से ही पता चलता है। और अभी थोड़े से बाल गीले हैं, जब अच्छे से सूख जाएंगे तो और भी सॉफ्टनेस बालों में आएगी। और हमारे बारिश में जो बाल चिपचिप करती है और बाल उसकी वजह से बाल जब झाड़िए तो बाल टूटते भी बहुत हैं। तो इस तरह से अगर आप अपने बालों को हेयर सीरम इस तरह से लगाइए और फिर एक दो दिन के बाद हल्का सा बाल में ऑयल डाल दीजिए और फिर रोज़ सिर से भी नहाइए तो बाल आपके चिपचिप नहीं करेंगे और ना ही टूटेंगे। तो फ्रेंड्स मेरे घरेलू टिप्स आप लोगों को कैसी लगी तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक तो बनता है। फिर मिलती हूँ कुछ अच्छे से टिप्स या कुकिंग के साथ में। तो अभी बाल गीले हैं, पहले मैं हवा में इसे सुखा लेती हूँ। बाय बाय।